हेलो दोस्तों, नमस्कार। बड़े दिनों के बाद और मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ, रियाज़ करते करते दादरा में एक लगी बड़ी खूबसूरत, मुझे ऐसा लगता है कि इसे बताना चाहिए। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी छोटे बोल हैं, इसके कम बोल हैं। बड़े दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और पसंद ज़रूर करना। और थोड़े से बोल में लगी का मज़ा बड़ा प्यारा है इसमें, दादरा में, है ना। कैसा, मैं ठेका पकड़ के उसको थोड़ा सा बजा के बताता हूँ, तभी आपको समझ में आएगा। और धीमी गति में फिर इसे देखेंगे। तो ये और स्पीड में भी बज सकती है, और बजती है तो बड़ी खूबसूरत लगती है। और बिल्कुल वहीं जमे रहना है, हाथ को फेंकना नहीं है बिल्कुल भी, वहीं की वहीं। और बड़े कम बोले, और देखिए क्या बोले। धा तेरे किट तक धिन धिन, है ना। धिन धिन भी बजा सकते और धिन गिन भी बजा सकते हैं। बाकी धा तेरे किट तक तो एज इट इज आप जानते ही हैं, धा तेरे किट तक। धा बजाइए, ती र की ट तक, है ना। इतना बज गया, फिर ये हो गया, बस इतना ही है। अब देखो मैं धीरे धीरे बजाता हूँ, धा तेरे किट तक धिन धिन। अब मैं धीरे धीरे करके उसको बढ़ाते जाऊंगा तो इसका स्वरूप बन जाएगा। अच्छा, इसका बड़ा काम रहता है, इस चीज को भी ध्यान रखना, धिन धिन में आपको घुमा देना, मतलब घिस्सा टाइप का देना है। मतलब धिन में आप घिस्सा देंगे, और इसको बहुत एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप धिन में आए आए तो आगे पीछे कर दीजिए, बस वो खूबसूरती अपने आप निकल जाएगी। तो फिर से देखिए, धा बजाइए, ती र की ट धी न धी न, है ना। धा तेरे किट तक धिन धिन, धा तेरे किट तक धिन धिन। अब ये धिन धिन है, अब धिन गिन कैसे बजेगा, धीरे दिन बता दिया, अब धीना गिनन। धा तेरे किट तक धीना गिनन, है ना। धी न गी न, जो धीन धीन है उसको धीने गिना भी बजा सकते। धा तेरे किट तक धीने गिना, बस धा तेरे किट तक धीना गिना, ऐसे भी बज सकता है। वरना धीन धीन भी बजा दीजिए, जो नहीं समझ पा रहा है वो धीन धीन बजाइए, और जो समझ रहा है वो धीन गिन बजाइए। हाथ आपके अच्छे चलते हैं, बढ़िया चलते हैं, लेकिन चीज़ें नहीं पता होने के कारण हम बजा नहीं पाते। लेकिन ये चीज़ पता चल गई तो आप बिल्कुल इसे बजाइए और खूब बजाइए। ये लग्गी बड़ी इंटरेस्टिंग है दादरे में, बहुत सारी लग्गी जानते हैं, लेकिन इस लग्गी को बजाने के बाद मज़ा अलग है। धन्यवाद।